कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि प्रभु श्री राम ने भेजा है एक गुप्त संदेश, आने वाले अगले 3 से 4 दिनों के अंदर आप सभी का जीवन बदल जाएगा। बस आप आज के इस वीडियो को अनदेखा मत करना, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के जीवन का सबसे भाग्यशाली वीडियो होगा। विधाता का लिखा हुआ कलम है। अगर आपने अपना महत्व समय इस वीडियो में दिया तो आप सभी को बता दें कि भगवान श्री राम का यहां आशीर्वाद, आपका जीवन बदल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, जितने भी प्रभु श्री राम जी की सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हिंदी भाव से जय श्री राम एक बार में 3 बार लिख दीजिएगा। रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम महाबली हनुमान जी से, प्रभु श्री राम जी से कामना करते हैं या आप सभी का जीवन हमेशा सुख में रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आप सभी का आज के इस अद्भुत और रामलला से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और हमेशा आपके साथ रहे। दोस्तों, आपके लिए रामलला का एक बहुत बड़ा संदेश आया है, जिसे जानकर आप खुशी से नाच फोटो भेजा। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत समय से परेशानियां चल रही थीं, खींचतान चल रही थी, कुछ न कुछ आपको ऐसी बातों में उलझा रखा था जिनसे आप परेशान चल रहे थे। अब उन सब परेशानियों का अंत होने वाला है। अब स्वयं रामलला आ गए हैं आपकी हर एक परेशानी का अंत करने के लिए, और इसकी शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, कल दोपहर 12:29 से, जिसके बाद अगले 3 दिनों तक आपको 3 बड़ी खुशखबरी है मिलेंगे। दोस्तों, कौन सी है वह बड़ी खुशखबरी है जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएंगे, के लिए आप अब तक तड़प रही थी, वह हर एक खुशी आपको मिल जाएगी। आपकी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। यह एक सुनहरा अवसर है जो बड़े ही लंबे इंतजार के बाद आपके जीवन में आया है, इसे बिल्कुल भी जाने मत देना। तो इसका आपको पूरा लाभ लेना है, और हम आपको बताएंगे कि इस विशेष सुनहरे अवसर का आपको कैसे लाभ लेना है, जो दोस्तों आपकी राशि के जातकों के लिए विशेष तौर से रामलला की भगवत कृपा उत्तर कर आई है, जो आपका उद्धार करने जा रही है। तो कैसे हैं प्रभु श्री राम आपका उद्धार करेंगे, और कौन सी है वही बड़ी खबरें जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। इन सारे विषयों पर हम आगे आपसे बात करने वाले हैं, लेकिन आपसे बस एक ही निवेदन है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में भी बताएंगे जो आपके जीवन में बड़ी मुसीबतों का नेपाली इस सुनहरे अवसर को बर्बाद करने की पूरी मंशा रखता है। दोस्तों, यह इंसान आपके जीवन पर गहरी नजर रखता है और इसे आपके जीवन के बारे में सब कुछ पता है। यह एक महिला है, यह आपकी आसपास ही है, और आपके जीवन की हर छोटी बड़ी बात कैसे पता रहती है, हम इस महिला के बारे में भी आपको बताएंगे। तो बस ऐसे में यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको बेहतरीन ज्ञान का खजाना प्राप्त नहीं हो पाएगा, और फिर हमें भी बहुत दुख होगा कि हम चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाए। या दोस्तों, बनी रहे वीडियो में, हर एक बात को समझने का प्रयास करिए, वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी इसी बीच में छोड़कर जाना नहीं दोस्तों, अन्यथा आप अपने दोषी स्वयं ही होंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि माता को याद करते हुए सच्चे भाव के साथ हैं कमेंट में, एक बार नहीं 3 बार लिखना जय मां भद्रकाली कृपा करो, क्योंकि माता की कृपा के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं रह सकता है। हमारा और आपका जीवन माता की पर ही निर्भर है, उनकी कृपा आप पर ही आश्रित है, तो फिर निश्चित तौर पर माता को याद करना तो बनता ही है। इसी के साथ साथ आप अपना नाम और अपना स्थान भी लिखकर कमेंट में भी, ताकि हम शनिवार के होने वाले हवन में आपके नाम से माई के दरबार में अर्जी लगा दें। आपके जीवन में माई की पूरी कृपा अवश्य ही पहुंच जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य ही दबा दें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे, और हम जब भी कोई छोटा बड़ा अनुष्ठान माई के लिए करेंगे तो उसमें आपके नाम से अर्जित स्वयं ही लग जाएगी।
क्योंकि अब आप हमारे चैनल परिवार के सदस्यों पंच। जल्दी से इस कार्य को करिए, यह बिल्कुल ही फ्री है। फिर आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि अब आपके जीवन में समय का चक्र बदलने वाला है। बहुत ही जल्द आपको प्रभु श्री राम की पूरी कृपा प्राप्त होने वाली है। अब चाहे आप किसी के भी साधक हो, किसी की भी पूजा आराधना करें, लेकिन आपके ग्रहों की चाल ये बता रही है कि भगवान श्री राम आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। दोस्तों, यह महापरिवर्तन अगले 3 दिनों के अंदर होने जा रहा है और इस महापरिवर्तन में न केवल आपको खुशियां प्राप्त होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बल्कि आपके शत्रुओं का भी अंत हो जाएगा। ये दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अपने आप ही तरक्की हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपके दुश्मनों का, शत्रुओं का नाश होना भी बहुत आवश्यक है। और आपके अपनों में ही आपकी शत्रु छुपे होते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि घर से आने वाली शत्रु को पहचानना आसान होता है, लेकिन अपनों में ही छुपे शत्रु को पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि कौन किस तरह से रहा है, पहुंचाना चाहता है, पता ही नहीं चलता जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। ऐसा आपके साथ कई बार हो चुका है, तो अब आप खुश हो जाइए। दोस्तों, हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह हिंदी हद ही महत्वपूर्ण है। इन बातों को पूरी गंभीरता के साथ सुनना और बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हम आपको गारंटी देते हैं कि जो भी भविष्यवाणियां हम आगे आपके जीवन के बारे में करने जा रही हैं, विश्व % सत्य होने जा रही है, क्योंकि हमने बहुत गहराई से आपकी राशि में ग्रह गोचर का अध्ययन किया है और हमें अपनी लाल किताब और उसके बताए हुए आदेशों पर पूरा भरोसा है। हम आपको कहते हैं कि जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, उन्हें बस आप एक एक करके सोते जाना है और अपने जीवन में उतारना। दोस्तों, आपके जो शत्रु है खुद जानते हैं और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप एक भावुक इंसान है। कोई आपकी सर कितना ही बुरा क्यों आकर जाए, लेकिन आप उसके लिए मन में छल नहीं रखते हैं, बुरा भाव नहीं उसे माफ कर देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मन में आपके 30 तो रह ही जाती है। अब आप देखेंगे कि आपके उसी शत्रु का आपके सामने ही मजाक पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर यह घटना होने वाली है, जिसने कभी षड्यंत्र रच के आपको भावनाओं में लेकर आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया था, आपका दुरुपयोग किया था, आपके रुपए पैसे और संसाधनों को लूटा था। अब आप देखेंगे कि अगले 3 दिनों में उसका पूरा तमाशा होगा। और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, में जो रुपए पैसे को लेकर अब तक परेशानी चल रही थी कि जहां पैसा लगाया गया, जिसको दे दिया उधार, उसने वापस नहीं दिया, और काम धंधे में भी पूरा रुझान प्राप्त नहीं हो रहा था, मतलब कि सही लाभ नहीं हुआ, उम्मीदों के अनुसार फायदा नहीं हो रहा है, अब यह सारी समस्याएं धीरे धीरे फटने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपको कहीं ना कहीं से विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी। ऐसे में आपको याद रखना होगा कि सतर्कता ही आपका बचाव है। याद करिए वह समय जब आपके पास रुपए पैसे थे, यानी आपका जीवन ऐसो आराम में, धन दौलत में भरा हुआ था, यानी कि आप जीवन का पूरा आनंद ले रहे थे। तब आपके पास कितने रिश्तेदार, कितने दोस्त यार थे जो आपके आसपास मंडराते रहते थे, लेकिन जैसे ही आपका बुरा समय आया, तो बुरी समय के आने के तुरंत बाद ही आपके रिश्तेदार आपसे दूर भाग गए। आपकी जरूरत के समय आपके अपने ही आपके साथ नहीं थे, आप अकेले ही खड़े दिखाई दे रहे थे। यही आपके जीवन की कड़वी सच्चाई है। और आपके जीवन में ऐसा समय पिछली बार कई बार आ चुका है, तो कम से कम इस बार अब आपको होशियार रहना है। जो भी लाभ आपको हो, उनके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, जब तक कि आप पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए। आपके अंदर यह एक छोटी सी कमी है कि आपको जरा सी खुशियां दिखाई दिए कि आप तुरंत ही उनका बखान करना शुरू कर देते हैं, लोगों के सामने अपनी हर एक बात खुलकर बता देते हैं। याद रखना दोस्तों, इस संसार में कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, जब तक आप कष्ट में हैं, तब तक लोग आपकी हाल चाल लेते रहते हैं, आपकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में खुशियां आए, लोगों ने आपसे जलन के वशीभूत बात करना ही बंद कर दिया, यानी उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जी हां दोस्तों, यहां पर श्रीमद् भागवत जी का एक दृष्टांत है जो आपको सुनना चाहिए, यह आपके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठता है। एक बार लोहा
और सोना आपस में बात कर रहे थे तो सोना लोहे से बोला, देखो भाई, पिटाई तो तुम्हारी भी होती है और मेरी भी होती है, लेकिन इतना क्यों चिल्लाती हो? हम तो इतना चिल्लाते भी नहीं है। तो लोहे ने सोने से कहा कि भाई देखो, जब तुम्हें पीटा जाता है तो तुम्हारी पिटाई करने वाली हथौड़ी लोहे की होती है, यानी कि तुम्हें कोई पराया ही पीट रहा होता है, इसलिए तुम्हें कष्ट तो होता है लेकिन इतना अधिक कष्ट भी नहीं होता, क्योंकि पर आए हाथों से मार खाने में ज्यादा दिल नहीं लगता है, बस चोट लगती है, लेकिन मेरी जब पिटाई होती है तो पीटने वाली हथौड़ी की लोहे की होती है और लोहे को ही लोहा पीटता है, यानी जब इंसान अपने ही हाथों मार खाता है तब न केवल शरीर पर चोट लगती है बल्कि उसके मन में भी चोट लगती है, इसलिए आवाज भी ज्यादा आती है। दोस्तों, ये शायरी जो है एक वह बड़ी ज्ञानवर्धक है और आपके लिए बनी है। दुनिया में कभी किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, यदि कुल्हाड़ी के पीछे से पेड़ का ही एक हिस्सा ना होता तो उस तो अपनों से बचकर रहें। आपके लिए सबसे अधिक मूल्यवान है और आवश्यक है, क्योंकि बाहर से आने वाला शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान बल और बुद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप सूट खाते हैं तो अपने दिल के हाथों दोस्तों इस अच्छे समय को गवा मत देना। अब ध्यान से सुनिए, आपकी जिंदगी में एक विशेष ग्रही योग बनने जा रहा है जो कल दोपहर 12:38 से शुरू होगा। इस ग्रह योग में बुध और गुरु दोनों आपकी राशि में लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे आपको व्यापार में काम धंधे में उन्नति देगा, आपकी आमदनी बढ़ पाएगा, आपकी बौद्धिक बल कोशिश करेगा जिससे कि आपके रुपए पैसे की आवक बढ़ी कि आपके काम धंधे में उन्नति होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप ऐसे फैसले ले पाएंगे जो कि आपको आगे चलकर बहुत लाभ देने वाले हैं, यानी कि आप जो भी सोचेंगे वह आपके लिए हितकर होगा। जी हां दोस्तों, बुध का यही काम होता है, लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि बुध को संपूर्ण ग्रह तालिका में एक बालक की उपाधि दी गई है। तू जहां बुद्धि के लिए जिम्मेदार है, आमदनी की आवक के लिए जिम्मेदार है, वही उसके अंदर लड़कपन काफी भाग होता है, तो आप भी कहीं ऐसा ना हो कि आपको लाभ प्राप्त होने लगे, कहीं से विशेष कोई दिल, कोई अवसर, कोई मौका और आप उसका बखान करने लग जाए, यानी लड़कपन कर जाए। ऐसा बिल्कुल भी मत करना दोस्तों, यह आपके लिए हितकर नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों, गुरु का यह विशेष ग्रह गोचर आपको बहुत लाभ देगा। अब गुरु, जो कि सभी ग्रहों के और देवताओं के भी गुरु हैं, यानी कि आपके लिए मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो आपको सही राय जी का सही मशवरा देगा, जिसकी वजह से आप एक सही निर्णय ले पाएंगे। अब वह इंसान आपके घर का भी हो सकता है, आपका कोई बाहर का इंसान हो सकता है। जी हां दोस्तों, और यह गुरु का गोचर है, यह आपके लिए तीन तरह से लाभदायक होगा। पहला, आपके परिवार में शांति और सुकून कायम होगी। आपके परिवार में आपके बड़े बुजुर्गों के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे, अच्छी चर्चा होगी। इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपको दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ सब दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको अपने परिवार और अपने जीवन साथी से एक नई सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होगी। आपका मन अच्छा रहेगा और आप दुखने शक्ति के साथ अपने काम धंधे व्यापार में नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे, जिससे आपकी कामयाबी के अवसर पर जाएंगे। अब यहां पर दोस्तों, आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। ध्यान से सुने हम आपको जो बताने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि यह जो ग्रहों का गोचर है, यह केवल कुछ समय के लिए बना है, जीवन भर के लिए नहीं। तो सीधी सी बात है कि जीवन भर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, और यदि आपको इसका लाभ लंबे समय तक लेना है, उसके लिए आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय करना होगा, जो कि हम आगे आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात, दोस्तों की एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन की हर एक खुशी पर पानी फेर देता है, और यह भी अच्छा समय योग बना है। इससे आपको जो खुशियां प्राप्त होंगी, इस पर भी पूरी तरह से वह पानी फेरने की तैयारी कर चुका है। तो वह कौन व्यक्ति है और कैसे हो वह आपको नुकसान पहुंचाएगा, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत आवश्यक है, तो वीडियो पूरा देखते रहे।
बीच में बिल्कुल भी छोड़कर ना जाएं, क्योंकि हर एक भाग बात इस वीडियो की आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके लिए रामबाण औषधि के समान है। दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि आपको अपने मन के भाव परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि प्रभु श्री राम के लिए आप अपने मन में भाव उत्पन्न करिए। हमारी कहने से आप अपने मोबाइल में भगवान श्री राम का वॉलपेपर लगा लीजिए। जब भी आप अपने फोन को देखेंगे तो आपको प्रभु श्री राम की याद आएगी। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपकी मानसिकता परिवर्तन हो गया। अब यह विशेष शुभ समय आपके जीवन में जो आया है, यह प्रभु श्री राम की देन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरु का विशेष जो गोचर है, उसके अधिपति भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री हरि विष्णु का ही एक अवतार प्रभु श्री राम है, जो कि बेहद शालीन है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और चूंकि प्रभु श्री राम लल्ला का आगमन हो चुका है 22 जनवरी को, अब प्रभु श्री राम आपके जीवन में यही योग लेकर आए हैं और यह उनकी ही कृपा से आया है। बड़े लंबे समय से आप इसी अच्छी घटना के होने का इंतजार कर रही थी, विशेष लोगों के बने इंतजार कर रही थी। अब तक लंबे समय से आपको सुविधाएं ऐसी सहूलियत प्राप्त नहीं हो पाई थी, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है। प्रभु की कृपा से आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। अब तीन तरह से लाभ आपको प्राप्त होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि रुपए पैसे की समस्या आपकी दूर होगी, काम धंधा व्यापार में आपकी उन्नति होगी, नौकरी करते हैं तो उच्च अधिकारियों में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी पदोन्नति के आसार भी बन रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी जो छुपे हुए शत्रु हैं वह आपके सामने ही होंगे, आपके सामने ही उनका समन हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा शत्रु है जो छुपा हुआ है और आपका लंबे समय से शोषण कर रहा है, दुरुपयोग करता चला आ रहा है। यह दोस्तों, यह आपके अपनों में ही छुपा हुआ है। अब इसके बारे में हम आपको सारी बातें में विस्तार से बताएं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इन दो ग्रहों की जो युति है, जो योग है, इसका पूरा लाभ लेने के लिए वो क्या करना चाहिए था। एक छोटा सा उपाय है दोस्तों, इस परिवर्तन आ जाएंगे कि ऊंचाई की, और यह इतना छोटा और सरल है, इसे आप बड़ी आसानी से चुटकी बजाते ही कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए इस उपाय को कि आपको करना क्या है। जब भी आप घर से बाहर निकले, या दोस्तों ध्यान से सुनना, जब भी आप घर से बाहर निकले तो आपको एक पान का पत्ता और एक इलायची दिखा दो। सोपान का एक छोटा सा पत्ता और एक इलायची अपने मुख में रख ली नहीं है। जी हां दोस्तों, उसे चलाना नहीं है, बस मुख में रख लेना है और अपनी जेब में थोड़ी सी पीले चावल या दोस्तों चावल थोड़ी से लेने हैं आपको, और उनमें हल्दी लगा लेनी है। बस चावल को अपनी जेब में डाल लेना है। अब यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि आप अपनी पेंट गई पीछे की जेब में चावल को ना डालें, डालें तो आगे की जेब में डाल और दाहिने तरफ पाली जेब में डालें। बेहतर होगा कि आप अपनी शर्ट की जेब में डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी कागज में लपेटकर एक पुड़िया बनाकर आप अपनी जेब में रख सकते हैं। यह तो बस इतना सा आपको कार्य करना है और प्रभु श्री राम की वॉलपेपर अपने मोबाइल पर लगा लेनी है। इन कार्यों को करें और आप देखेंगे कि इन्हीं ग्रहों की ऊर्जा आपके लिए दुगनी गति से लाभ पहुंचाएगी। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों कि आप अपने आसपास जो ऊर्जा का चित्र है उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। जी हां दोस्तों, आपका आभार मंडल तीव्र गति से सकारात्मक हो जाएगा और आपको लाभ पहुंचाने वाले गए हैं पूरी तरह से खिला पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके पेट में जब दर्द होता है, डॉक्टर आपको दवा दे देता है, अब वह दवाई आपके दर्द को ठीक नहीं करती है, बस उनकी यादों को मार देती है जो दर्द पैदा कर रहे हैं, तो बीमारी पैदा कर रही है। बाकी आपका स्वयं का शरीर ही अपने आप को ठीक कर लेता है। जब आप सकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास एकत्रित कर लेंगे, नकारात्मक ऊर्जा को भगा देंगे, तो ग्रहों की जो शुद्ध ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है जो आपको लाभ पहुंचाना चाहती है, वह स्वयं ही खूब बड़े बड़े लाभ तक पहुंचा देगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ छोटे छोटे दैनिक उपाय हैं जिनको भी आपको अवश्य करना चाहिए। और यह उपाय क्या है? पहला, आपके पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। जब भी आप भोजन करने बैठे तो अपने भोजन करने से पहले अपने पुत्र पूर्वजों का आवाहन करें और दोस्तों आंख बंद करके हाथ जोड़कर
इत्र पूर्वजों का आह्वान करें और उनसे कहें कि आप इस भोजन को ग्रहण करिए, इस भोजन से तृप्त हुए तब हम इस भोजन को पाएंगे। आपको अपने मन में बोलना है या यूं कहें कि सोचना है, बस इतने से ही काम हो जाएगा। आपके पितरों की ओर जाए हैं, तुरंत उस भोजन में से अपने हिस्से को ले लेंगे। अब यहां पर कोई आप साथ भोजन खाने वाला नहीं है, ये ऊर्जा ओके लेन देन की बात हो रही है। दोस्तों, जब आप इतनी सी क्रिया करेंगे, आप देखेंगे कि आपके मित्र पूर्वज बेहद संतुष्ट हो जाएंगे और जापान हो जाएंगे। और याद रखें कि आपके घर के पहले रक्षक आपके मित्र ही हैं। ये दोस्तों आपकी पहले देवता पितर देवता ही हैं। यदि उन्हें आप संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई ग्रह नक्षत्र देवी देवता आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। ये बड़ी दुख की बात है, लोग इन बातों को समझते ही नहीं है। छोटी छोटी कन्याओं को उल्लू बना चुके हैं। सूर्य नारायण को जल देने से लेकर सख्त करने तक की छोटी छोटी क्रियाएं हैं। कुछ नहीं तो स्नान करते समय थोड़ा सा छल अपनी अंजुरी में भरकर अपने पितृ देवताओं के नाम से यदि आप छोड़ देंगे, देवताओं की प्यास मिट जाएगी, स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन लोग इन सब कार्यों को करना फिजूल समझते हैं, हम समझते हैं, ढकोसला समझते हैं। और उसका नतीजा यह है कि अब आज के समय में पैसा होने के बावजूद, सुविधाएं होने के बावजूद, लोगों के दिल में चैन नहीं है। एक दूसरे से खींचतान मची हुई है, रिश्ते नाते में तनाव है, सुकून नहीं है। दवाई खा खा कर लोग सो रही है, यानी कि नींद तक नहीं आ पा रही है। ये दोस्त ऐसा ही है क्योंकि आपके आसपास कई अतृप्त आत्मा तृप्त शक्तियां घूम रही हैं, जो आपके सुख चैन को आपसे सूख रही हैं, चूस रही हैं, आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दी हैं। जी हां दोस्तों, हमारे कहने से इन छोटे छोटे कार्यों को भी आप अवश्य ही किया करिए और आप देखेंगे कि आप उसके लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। भी सच्चाई, धन दौलत आए या ना आए, लेकिन आपका काम चलता रहेगा, आपके मन में सुकून बना रहेगा। और वैसे भी कहावत तो यही कही गई है कि विश्व चाहे दो रोटी मिले लेकिन चैन की मिले, इसी से जीवन पार हो जाता है। बाकी क्या करना है, क्या होना है और कैसे होना है, सब कुछ उस विधाता ने पहले ही सोच रखा है। यदि उसने आपको देने के बारे में सोचा है तो दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। और यदि जीने के बारे में लिख दिया है, दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती है। यही विधि का विधान है। इन बातों की बारीकियों को आप समझिए। अब बात करती हैं उस एक इंसान के बारे में दोस्तों, वह एक महिला है। यह दोस्तों और उसका नाम जहां से शुरू होता है, यानी कि अंग्रेजी के अक्षर जैसे, दोस्तों इस महिला से आपको सतर्क रहना है। यह आपके परिवार में हो सकती है, आपके अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदार में हो सकती है। लेकिन जहां भी यह महिला है, आपके ऊपर पूरी नजर बनाकर रखती है और आप प्रताड़ित करती है, आपकी खुशियों को बर्बाद कर देना चाहती है। और पहले भी कई बार इसने ऐसे प्रयास किए हैं। यह सब हम हमारी के द्वारा बताई गई अनुभूतियों के आधार पर आपको बता रहे हैं। बस आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब यदि आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म हैं या आपके देवी देवताओं की प्रबल कृपा आपके ऊपर है, हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में ना भी हो, लेकिन अधिकतर आपकी राशि के जातकों के जीवन में ऐसा कोई ना कोई सदस्य अवश्य ही है। या फिर हो सकता है कि उसका नाम भी अलग हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के जीवन में इसी नाम का एक जातक है, यूपी राय पहुंचाता रहता है। इन सब बातों से बढ़कर जरूरी बात यह हम आपको बता दें कि आपके लिए सतर्कता ही एकमात्र बचाव है और भगवत कृपा ही आपकी परेशानियों से मुक्ति का मार्ग। जी हां दोस्तों, तो सच्चाई के साथ अच्छाई के साथ रहे और सतर्क अवश्य ही रहे, क्योंकि आपका जब भी शोषण होगा अपनों के द्वारा ही होगा। उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और इन बातों का आप प्रयोग करके अपने जीवन में कुछ ना कुछ लाभ अवश्य ले आएंगे। कोई प्रश्न यदि आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय श्री राम कृपा करो अवश्य लिख देना। प्रभु श्री राम और माता भद्रकाली की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। मिलते हैं एक और नई और खास वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
भगवान आपके सारे इच्छाएं पूरी कर दे। जय श्री राम।